स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय भट्ट जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे पुष्प गुच्छ से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं माननीय सतपाल महाराज जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे आदरणीय नितिन गडकरी जी का से स्वागत करें। मैं पुनः प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं कि ये मनसुख भाई मोंडिविया जी जो राज्य मंत्री हैं केंद्रीय भूतल परिवहन के, उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष, मैं माननीय सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भुवन चंद खंडूरी जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे शाल उड़ा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का इस देवभूमि में स्वागत करें। मैं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे श्री नितिन गडकरी जी को शाल उड़ाकर उनका देवभूमि में स्वागत करें, जिनके मंत्रालय से ये चार धाम की ऑल वेदर रोड का आज शिलान्यास हुआ है। मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से निवेदन कर रहा हूं कि मनसुख भाई मोंडिविया जी का भी शाल उड़ाकर स्वागत करें। मैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे पेट्रोलियम राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का शॉल उड़ाकर देवभूमि में स्वागत करें। अब मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय भट्ट जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे प्रधानमंत्री जी के स्वागत में अपना स्वागत भाषण पढ़ें। आदरणीय अजय भट्ट जी, परम सभ्य भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आप सब जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी इतने शिखर पर पहुंची है और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर पूरे देश ने जो विश्वास किया है और विश्व के पटल पर एक चमकते सितारे की तरह से जो आज चमक रहे हैं, मैं उनको अपने हृदय से यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। और ये मैं जो नज़ारा आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पूरा उत्तराखंड यहाँ पर आज टूट के आया है, पलक पावड़े बिछाए हैं अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए। देवभूमि उनका सत सत नमन करती है, स्वागत करती है। मित्रों, हमारे बीच में हमारे भूतल परिवहन मंत्री जो पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, श्रीमान नितिन गडकरी जी, जिन्होंने ये संकल्प लिया है मोदी जी के नेतृत्व में, मैं मार्च या अप्रैल तक रोड को पूरी कर दूंगा। और यहां नहीं, कैलाश मानसरोवर में भारत की जनता को और उत्तराखंड की जनता को भेजूंगा। उन्होंने कई बार इस बात को कहा है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और अपने राज्य मंत्री भूतल परिवहन जो यहां पर आए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका स्वागत करता हूँ। माननीय अजय टमटा जी जो हमारे कपड़ा राज्य मंत्री हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान भुवन चंद खंडूरी जी, श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्रीमान विजय बहुगुणा जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और महारानी राजलक्ष्मी जी जो यहां की लोकल सांसद हैं,
उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। कांग्रेस के पास मित्रों एक ही धर्म गुरु हुआ करते थे पहले, आज वो धर्म गुरु हमारे पास हैं श्रीमान सतपाल महाराज जी, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मंच पर हमारे प्रभारी श्रीमान श्याम जाजू जी, उनका भी स्वागत करता हूं। और समस्त लोग माननीय हमारे संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी यहां पर बैठे हैं, मदन कौशिक जी यहां पर बैठे हैं, कपूर साहब, हरक सिंह रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, धन सिंह जी, यहाँ के मेयर साहब, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान तीरथ जी, हमारे प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बड़ौनी जी, उमेश अग्रवाल जी, हमारे महामंत्री, चारों मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मित्रों आज ये ऐतिहासिक दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जो लोग कहते हैं कि क्या होता है ऑल वेदर रोड, क्या होती हैं सड़कें, ये चुनावी स्टैंड है, और वो लोग एक एक दो दो हजार करोड़ की सड़कों के उद्घाटन रोज कर रहे हैं, शिलान्यास पैसा 10 पैसा भी नहीं दे रहे हैं। ये तो 12,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसमें 3,000 करोड़ रुपए के ठेके हो चुके हैं। अभी आपने देखा होगा कहीं टनल से जारी है, कहीं हवा में जा रही है। क्या मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो कहते हैं क्या है ये ऑल वेदर रोड, क्या यहाँ चिकड़ी चुपनी हमको सड़कें नहीं चाहिए, क्या अच्छी सड़कें नहीं चाहिए, 12,000 करोड़ रुपए आज अच्छा नहीं लग रहा है। उन लोगों की पोल खुल गई है आज, जो कहते थे केंद्र सरकार हमको 10 पैसा भी नहीं दे रही है, आज 12,000 करोड़ रुपए का अकेला एक प्रोजेक्ट आ गया है, 200 करोड़ से ज्यादा NHAI और CRF के काम यहाँ पर चल रहे हैं, 266 करोड़ रुपए नेशनल हेल्थ मिशन का आ गया है, 1057 करोड़ रुपए हमको बिजली विभाग का आ गया है, रमसा का 10:90 का पैसा हमको मिल गया है, 488 करोड़ रुपए जो पार्किंग मनी का इस सरकार के पास जमा है वो उसका काम तक नहीं कर पा रही है मित्रों, और कहती केंद्र सरकार हमको नहीं दे रही पैसा। अरे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तो दीजिएगा, जब तक आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे और कामों में कहां से पैसा आएगा। आज पोल खुलता देखकर तरह तरह की बातें आज सरकार के लोग कह रहे हैं, लेकिन आज हमारी जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने ये जता दिया है कि जिस तरह से पूरा विश्व और पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करता है, उत्तराखंड उससे पीछे नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूं, माननीय उत्तराखंड हमेशा आपका था और आपका है, ये राज्य भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, अगली बार 2/3 बहुमत से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के हम यहाँ का तोहफा आपको भेंट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ कि आपने व्यस्ततम समय में हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नितिन गडकरी जी, भारत माता की। जिस ग्राउंड में ये सभा हो रही है इसकी क्षेत्रीय सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे भी शॉल से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, अब मैं अपने सभी नेताओं से निवेदन कर रहा हूं कि बड़ी माला से माननीय प्रधानमंत्री जी का। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मैं अपने भूतल केंद्रीय मंत्री, भूतल एवं परिवहन, जिनके मंत्रालय के द्वारा ये बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र की ऑल वेदर चारधाम रोड का आज हुआ है, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वे हम सबको संबोधित करें।
आदरणीय नितिन गडकरी जी। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं एक संवेदनशील मन की बात आपको बताना चाहता हूं। जब उत्तराखंड में हादसा हुआ था तो पूरे देश की जनता के संवेदनशील मन को उस हादसे ने बहुत ही दुखी बनाया था। हमारी सरकार आने के बाद जब प्रधानमंत्री से अनेक बार चर्चा करने का डिपार्टमेंट के प्रेजेंटेशन का मौका मिला, तब प्रधानमंत्री जी ने हमको आदेश दिया कि ये जो हादसा हुआ ये हमारे देश के लिए बहुत दुखद है, इसका कुछ उपाय ढूंढना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना फिर से नहीं होनी चाहिए, इसका उपाय ढूंढने की आप लोग कुछ कोशिश करो। और उन्हीं के आदेश से हमारे विभाग ने इसका अध्ययन किया, इंटरनेशनल कंसल्टेंट जो थे उनको अपॉइंट किया गया और उसके आधार पर उसका पूरा अध्ययन करने के बाद करीब 900 किलोमीटर के 12,000 करोड़ रुपए खर्चे की इस चार धाम योजना को हमने पूरा किया है और उसके काम को भी शुरुआत की है। इस देवभूमि में आज मुझे खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, पर शुभारंभ करते समय मुझे कहते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि करीब 3,000 करोड़ के 300 किलोमीटर के कार्य का हमने शुभारंभ कर दिया है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही संतोष का विषय है, क्योंकि जब योजना जाहिर होती है तो लोग पूछते हैं कि काम कब शुरू होगा। इस योजना के अनुरूप 2020 तक इसको पूरे करने के बारे में बात कही गई है, पर प्रधानमंत्री जी ने हमको हर समय इस बात का जिक्र करके आदेश दिया है कि जल्दी काम करके जनता को राहत कैसे मिले। हम दिल्ली में एक रिंग रोड बना रहे हैं जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोगों को अब दिल्ली में आने की जरूरत नहीं है, बाहर से बाहर एक दूसरे राज्य में वो जा सकते हैं। इस 15,000 करोड़ के रोड का जब भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी ने किया तब उन्होंने मुझे कहा कि इसको कितना समय लगेगा, तब मैंने उनको कहा कि 2.5 साल लगेगा, तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि क्यों ये 400 दिन में पूरा नहीं हो सकता। वैसा मेरा नहीं बोलने का स्वभाव नहीं है, पर मैंने नम्रतापूर्वक कहा कि मुझे लगता नहीं इतने दिनों में ये हो पाएगा, पर उन्होंने कहा कि आपको नहीं बोलना शोभा नहीं देता, आप इसको पूरा करिए, इस आह्वान को स्वीकार करिए। हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर सबको बुलाकर मैंने कहा और आज मुझे खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री ने जो काम हमको बताया था उसका कॉन्क्रीटिंग भी शुरू हुआ है और 400 दिन के अंदर हम दिल्ली का रिंग रोड हम पूरा करने जा रहे हैं, जिसका फायदा उत्तराखंड की भी जनता को होने वाला है। 50% दिल्ली का ट्रैफिक जाम और दिल्ली का पोल्यूशन इससे कम होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी, आज भी आपको जब ये प्रेजेंटेशन हुआ तब भी मुझे लग रहा था कि इसको कठिनाइयां है, पर लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट क्लियरेंस काफी मिला है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये मार्ग जो आज का हमारा सपना है, दुनिया से हजारों भाविक यहाँ आते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का दर्शन करने के लिए, मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि हमारा डिपार्टमेंट पूरी ताकत के साथ काम करके 2018 समाप्त होने के पहले इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। मैं आज निश्चित रूप से आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय महामार्ग था 2014 तक वो केवल 2,509 किलोमीटर था,
बाद में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमको कहा कि बैकवर्ड एरिया के लिए, डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी के लिए और पर्यटन के दृष्टि से राष्ट्रीय महामार्ग का विचार होना चाहिए। और उन्हें ये भी बात हमको कही भारतमाला के रूप में कि जो हमारी सीमाएं हैं वहां हमारे रोड अच्छे नहीं है और इसलिए उसका भी विचार करना चाहिए। बहनों और भाइयों, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में 96,000 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग है, हमारे देश में रोड की लेंथ 52 लाख किलोमीटर है, केवल 2% रोड राष्ट्रीय महामार्ग है। और परिणाम यह है कि हर साल देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। उत्तराखंड में भी एक्सीडेंट का प्रमाण ज्यादा है और इसलिए हमने तय किया है कि अब 96,000 किलोमीटर से हम राष्ट्रीय महामार्ग को 2 लाख किलोमीटर करेंगे और देश का 80% ट्रैफिक राष्ट्रीय महामार्ग पर आएगा। और इसलिए हमने ये घोषणा की है कि हमने 983 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए हैं, 525 किलोमीटर इन प्रिंसिपल घोषित किए, अब 3,492 किलोमीटर इसकी लेंथ बढ़ी है। मैं आपको और एक बात कहना चाहूंगा कि 2 साल में सेंट्रल रोड फंड में हमने 300 करोड़ रुपए के काम मंजूर किए हैं और इस समय उत्तराखंड में 800 किलोमीटर की 61 परियोजनाएं शुरू है जिसमें हम 8,626 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं और 3 साल में इस योजनाओं पर हम 26,000 करोड़ रुपए खर्चा करने वाले हैं। मैं आपको और एक विश्वास देना चाहता हूं कि जो रोड हम 900 किलोमीटर ये जो नए ऋषिकेश से लेकर हमारे चारों धाम के लिए जो रोड बना रहे हैं इसमें 10 मीटर की चौड़ाई होगी, 2 लेन पेव शोल्डर होगा और ये सीमेंट कंक्रीट से रोड बना रहे हैं, 200 साल इस पर कोई खड्डे नहीं होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं आपको देना चाहता हूं। लैंडस्लाइड से यात्रियों को सुरक्षित बनाने के लिए इस रोड में 13 बाईपास है, 2 टनेल्स है, 25 बड़े पुल है, 3 फ्लाईओवर है और यात्रियों के लिए 18 स्थानों पर रोड साइड एमिनिटीज यात्री सुविधा केंद्र है और उस केंद्रों में दुकानें भी होंगी, रेस्टोरेंट भी होंगे और उत्तराखंड का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट यहाँ की विरासत इसके दुकानों के लिए भी विशेष जगह वहाँ उपलब्ध की जाएगी जो यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ पार्किंग प्लेसेस के साथ कुछ जगह पर मिनिमम जो अस्पताल की सुविधा है वो भी हम रखेंगे। इसी रोड पर हम 154 बस स्टैंड बस वेज बना रहे हैं और ट्रक ले के लिए भी इसके लिए हमने स्पेशल प्रोविजन की है। मेरा विश्वास है कि 2018 के एंड तक इस पूरी योजना को पूरा करेंगे और मैं प्रधानमंत्री को कहूंगा कि बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करने के लिए आप इसका उद्घाटन इस प्रकार से करिए कि आप हरिद्वार से निकलकर पूरी यात्रा पूरी करके इसका उद्घाटन करेंगे, ये हम कहने वाले हैं। मैं और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ जो आपके लिए संवेदनशील विषय है वो दिल्ली डेहराडून का रोड है। ये हमारी सरकार आई तो मामला फंसा हुआ था, बहुत डिफिकल्टीज थी, कॉन्ट्रैक्टर लगभग भाग गया था, बैंक पैसा देने के लिए तैयार नहीं थी, पुराने सरकार में ऐसे प्रोजेक्ट थे। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली से हरिद्वार तक जो काम है वो जून तक हम पूरा करेंगे और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में विशेष योजना बनाकर हमको जो राहत दी है कि डेहराडून से हरिद्वार से लेकर डेहराडून तक 50% काम पूरा हुआ है। अब बैंक इसके लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज हमारे उत्तराखंड की जनता को बड़े विश्वास के साथ आज घोषणा करने जा रहा हूँ कि इसमें 50% पैसा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से देकर आने वाले दिसंबर तक दिल्ली से डेहराडून 100% हम पूरा करेंगे। इसके साथ साथ और हमारा एक सपना है कि हम लोग उत्तराखंड की रोड से हमारी चाइना की सीमा तक आगे मानस सरोवर तक जाने के लिए रोड बने। टनकापुर से पिथौरागढ़ 150 किलोमीटर, वर्तमान में ये सड़क 2 लेन है, 4 धाम परियोजना के अंतर्गत ये सड़क हम लोग 2 लेन सहित पेव शोल्डर के कार्य के लिए हमने शुरुआत की है। पिथौरागढ़ से तवाघाट ये 107.6 किलोमीटर है, ये सड़क सिंगल लेन है, इसके चौड़ीकरण का कार्य बीआरओ के द्वारा चल रहा है
और 2018 में हम इसको पूरा करेंगे। तवाघाट से घटियावागढ़ ये 20 किलोमीटर है, ये सिंगल रेन सड़क है, इसमें बीआरओ के द्वारा काम हो रहा है और 2018 तक हम इसको पूरा करेंगे। घटियाबाड़ से लिपू लेक ये करीब 76 किलोमीटर फुट ट्रैक है, ये बीआरओ के द्वारा काम कर रहे हैं, बहुत कठिनाइयां हैं पर मेरा विश्वास है कि ये काम भी हम लोग 2018 तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में 12 मीटर चौड़ा रॉक कटिंग का काम 36.80 किलोमीटर जो है उसमें 50% की लंबाई का काम हमने पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन में और डिफेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से हमने स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से ये हिमालय के वे जो कठिन काम है ये करने के लिए मशीन हमने लाई है और बीआरओ के द्वारा बुधी जो है वहाँ एक हेलीपैड बनाया है और हमारे एयरफोर्स के द्वारा MiG-17 का हेलीकॉप्टर का ट्रायल लैंडिंग 26 अगस्त 2016 को हुआ है। अब इस MiG-17 हेलीकॉप्टर में वो मशीन को डालकर हम वहाँ ले कर जा रहे हैं, बहुत कठिनाइयाँ हैं पर निश्चित रूप से वहाँ मशीन जाएगी और ये काम हम निश्चित रूप समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसकी लागत 245 करोड़ है, काम में कठिनाइयां हैं और पर भगवान का आशीर्वाद और हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति और जनता के अपेक्षा के साथ ये भी काम हम 2018 तक पूरा करेंगे, ये विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। और इसके बाद हम हमारी सीमा तक का रोड बनाने के बाद चाइना की सीमा में रोड बना हुआ है, वहाँ परमिशन मिलकर मेरा विश्वास है कि अब उत्तराखंड की पिथौरागढ़ के मार्ग से हम कैलाश मानस सरोवर का दर्शन लेने के लिए भी जा सकेंगे। आज का ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, हमारे अभिमान का, हमारी श्रद्धा का विषय है और वो विषय है हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानस सरोवर। और प्रधानमंत्री ने आज इसका भूमि पूजन किया है। हमारे देश में पर्यटन को बढ़ावा देकर प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सोच है कि हमारा विकास कैसे हो, बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे मिले और यही काम, यही सपना, विकास की योजना, आर्थिक नीति, इसी के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिल रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने मुझे सुझाया हवाई जहाज में और उसकी चर्चा उन्होंने मुख्यमंत्री से भी की है कि जो काली गंगा है जहां से हम लोग मानस सरोवर तक इनलैंड वाटरवेज के द्वारा भी जा सकते, क्या इसका अध्ययन करने का आदेश उन्होंने मुझे दिया है। कठिनाइयां हैं पर मेरा विश्वास है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होगी, एप्रोप्रिएट विजन होगी, काम करने की क्षमता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और भ्रष्टाचार मुक्त अगर पद्धति होगी तो ये सपना निश्चित रूप से पूरा हो सकता है। मैं प्रधानमंत्री को विश्वास देना चाहता हूं कि ये भी सपना हम पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार, काला धन, इससे मुक्त हिंदुस्तान, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, यही हमारा विचार है, यही हमारी मिशन है और यही प्रधानमंत्री का सपना है। मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता के सहयोग से निश्चित रूप से यह सपना पूरा होगा, यह विश्वास व्यक्त करते हुए और फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को, वो यहाँ आए इसलिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। केवल आखिरी में कुछ अपेक्षाएं मेरे से हमारे एक सांसद महोदय ने कुछ राष्ट्रीय महामार्गों के बारे में व्यक्त की है और उसके बारे में जो मांग की है उसकी घोषणा करके मैं अपनी भाषण को समाप्त करूंगा। हमारे सांसद, हमारे अध्यक्ष महोदय और राज्य शासन ने जो मांग की है उसमें से पुरकाजी लक्सर हरिद्वार 46 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग, इसको मैं राष्ट्रीय महामार्ग करके जाहिर कर रहा हूँ। जनपद हरिद्वार में रोशनाबाद बिहारीगढ़, इसमें 4 सेतुओं का निर्माण और 9 सेतुओं का निर्माण के लिए 51 करोड़ रुपये CRF से हमने मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में काशीपुर रामनगर से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से होकर तनकूर द्वारा काशीपुर और रामनगर से होकर दलपतपुर, अलीगंज और काशीपुर रामनगर मार्ग को केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत करके राज्य सरकार को भेज दिया गया है। काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में NH-74 पुराना पर अव्यवस्थित रेलवे क्रॉसिंग पुल पर ROB के निर्माण के मांग को हमारे मंत्रालय ने द्वारा स्वीकृत किया है और उसके DPR बनाने के आदेश दे चुके हैं और जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। इसी मार्ग की लागत में लगभग 60 करोड़ रुपए आनी है, इसकी स्वीकृति भी हमने देने के लिए फाइनेंस के पास भेजा है। उत्तराखंड के शासन और हमारे अध्यक्ष और MLAs और हमारे सांसदों के द्वारा कुछ मांग की गई है राष्ट्रीय महामार्गों की, वो 15 राष्ट्रीय महामार्गों की मैं आज घोषणा कर रहा हूँ। उखीमपट,
उखीमठ, चौपता, मंडल, गोपेश्वर, चमोली, ये 84 किलोमीटर NH 107A को मैं राष्ट्रीय महामार्ग करके घोषित कर रहा हूँ। दुगड्डा, मेतवान, हल्लूखाल, चिनखाल, शंकरपुर, लंबाई 80 किलोमीटर, इसको भी मैं राष्ट्रीय महामार्ग के रूप में घोषित कर रहा हूँ। निम्नलिखित 8 मार्गों को मरचुला, भिकयासेन, टिपोला, गदास, बिंटल, सोमेश्वर, गिरछिना, बागेश्वर, 148 किलोमीटर, इसको भी मैं राष्ट्रीय महामार्ग घोषित कर रहा हूँ। बागेश्वर, ग्वालदम, सिमली, इस लंबाई को 193 किलोमीटर, क्यूटी श्यामा, ग्वालदम, काशीनगर, महलचौरी के स्थान पर इसको भी राष्ट्रीय महामार्ग घोषित कर रहा हूँ। बागेश्वर, कपकोट, क्यूटी, मुंसियारी, मिलाम, 60 किलोमीटर, मुंसियारी, मिलाम, ओलाडुंग, बमरासा, बरीताला, गुगांग, मलारी, इसको भी मैं राष्ट्रीय महामार्ग जाहिर कर रहा हूँ। धरासू, लमगांव, राजाखेत, घनसाली, चिरतिया, तिलवाड़ा, लंबाई 260 किलोमीटर, धरासू, लमगांव, धनसाली, बुधाकर के स्थान पर इसको भी मैं राष्ट्रीय महामार्ग घोषित कर रहा हूँ। सुवाली, तत्पुर से लंबाई 45 किलोमीटर, इसको भी राष्ट्रीय महामार्ग घोषित कर रहा हूँ। लूनी, मोरी, पुरोला, नौगांव, गर्जी, ये मोरी नहीं, हाँ, ये 83 किलोमीटर को भी राष्ट्रीय महामार्ग घोषित कर रहा हूँ। गर्जिया, बेतालघाट, खिरना, 65 किलोमीटर, इसको भी मैं राष्ट्रीय महामार्ग घोषित कर रहा हूँ। मासी, जाली, रानीखेत, ये 62 किलोमीटर को भी मैं राष्ट्रीय महामार्ग जाहिर कर रहा हूँ। इस प्रकार से मंत्रालय द्वारा 164 किलोमीटर के नए राष्ट्रीय मार्ग घोषित किए हैं और उसके साथ साथ ये संख्या आज 916 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग घोषित किए हैं। जो पुराने राष्ट्रीय महामार्ग थे वो प्रधानमंत्री जी के आदेश से अब हमने दुगने कर दिए हैं। 26,000 करोड़ के कार्यों को मंजूर कर दिया है और 2018 समाप्त होने तक 50,000 करोड़ रुपए के काम हम उत्तराखंड में करेंगे। ये विश्वास आपको देते हुए और फिर से एक बार आप सबको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब हम सबके जनजल के हृदय सम्राट, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि वे हम सबको संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अजय भट्ट जी, संसद में मेरे साथी पूर्व मुख्यमंत्री श्री खंडूरी जी, कोशियार जी, निशंक जी, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी, केंद्र में मेरे मंत्रिपरिषद के साथी अजय टमटा जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, मनसुख मांडविया जी, संसद में साथी महारानी राजलक्ष्मी जी, श्रीमान सतपाल महाराज जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने आज कमाल कर दिया है जी।
सारे माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। वहां दूर दूर छत पर इतनी भीड़ है, मुझे मालूम नहीं उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, मैं आपको विशेष नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये देवभूमि है, ये वीरों की भी भूमि है, ये वीर माताओं की भूमि है। और उस धरती पर इतनी बड़ी संख्या में आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपको नमन करता हूं। आज मेरे मन में आप लोगों के खिलाफ एक शिकायत करने की इच्छा है। करूं क्या? फिर बुरा मान जाओगे तो? बिल्कुल नहीं मानोगे? नहीं नहीं, फिर भी मान जाओगे? पक्का? एकदम पक्का? बिल्कुल बुरा नहीं मानोगे? मुझे बताइए, जब 2014 में लोकसभा का चुनाव था, मैं स्वयं उम्मीदवार था प्रधानमंत्री पद का, और इसी चौक में, इसी मैदान में मैं आया था, और उस समय आधा मैदान भी भरा नहीं था। आज क्या कारण है? अच्छा, उस समय आधा मैदान भरा था, फिर भी आपने अच्छे अच्छे लोगों को धूल चटा दी, घर भेज दिया, सबके सबको जिता दिया। इस बार क्या होगा इसका मैं अनुमान लगा सकता हूं। ये जन सैलाब और भी हिमालय की कोख में, ऐसी ठंड में इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का आना, इस बात का संकेत है कि अब उत्तराखंड विकास के लिए इंतजार नहीं करना चाहता। भाइयों बहनों, आज यहां जिस प्रकल्प का शिलान्यास हुआ है, उत्तराखंड के लोगों को तो खुशी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन आज ये शिलान्यास उन हजारों लोगों को श्रद्धांजलि है जो केदारनाथ के हादसे में हिंदुस्तान के हर कोने से किसी ने अपनी जिंदगी गंवा दी थी। ये योजना देश के हर कोने से, उस भयंकर हादसे में जो लोग मारे गए थे, उनको एक प्रकार से तर्पण है, श्रद्धांजलि। भाइयों बहनों, ये चार धाम यात्रा के लिए उत्तम मार्ग, अच्छी व्यवस्था, उत्तराखंड के लोगों को तो रोजी रोटी देगी,
उत्तराखंड के विकास के लिए चारों दिशाओं में नए अवसर प्रदान करेगी, लेकिन ये शिलान्यास हर हिंदुस्तानी के मन को वो संतोष देने वाला अवसर है जिसके हृदय में कभी न कभी माँ गंगा के तट पे आना है, हरिद्वार ऋषिकेश जाना है, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा करने का जिसका सपना है, बूढ़े माँ बाप को लेकर के आना चाहता है, आप कल्पना कर सकते हो आज का ये प्रकल्प उन वृद्ध माँ बाप जो आने वाले दिनों में जब यात्रा के लिए आएंगे और सड़क बिना अवरोध ले जाती होगी, कितने आशीर्वाद हिंदुस्तान भर से मिलने वाले हैं इसका आप अंदाज लगा सकते हो। जब बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे कोई आता है, जब निकलता है तो दो तीन दिन बीच में खाली रखता है, उसको वो टूर के ऑर्गेनाइजर के बताया था कि देखो भाई वापिस आने का टाइम टेबल पक्का नहीं रहेगा। क्यों? बोले पूरी यात्रा के दरमियान कहीं तो कहीं लैंडस्लाइड हुआ होगा, एक आध दो दिन रास्ते पर रुकना पड़ेगा, तब जाकर के मुश्किल से यात्रा हो पाएगी। भाइयों बहनों, अनिश्चितता के माहौल में यात्रालु का मन, यात्री का मन परमात्मा में लीन होना चाहिए। जिस मकसद से आया है हर चिंता से मुक्त होना चाहिए, लेकिन यहां तो उसको चिंता रहती है कि अगले मुकाम पर पहुंच पाएंगे कि कहीं लैंडस्लाइड हो जाएगी, कहीं ट्रैफिक जाम हो गया होगा, एक आध गाड़ी ब्रेकडाउन पड़ी होगी, तो हम आगे निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। इतनी कठिनाइयों के बीच आज हमारी यात्रा होती है। 125 करोड़ का देश, हर व्यक्ति के मन में अपने माँ बाप को कभी न कभी बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन कराने की इच्छा हो, लेकिन मेरे देश में ऐसी सरकारें आई कि 125 करोड़ देशवासियों की ये इच्छा पूरी करने के लिए भी आवश्यक सुविधाएं नहीं कर पाई। भाइयों बहनों, आपको लगता होगा कि मोदी जी आपने आते ही क्यों शुरू नहीं किया, अगर मेरे लिए पॉलिटिकल कार्यक्रम होता, सिर्फ जनता जनार्दन की आंखों में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम होता तो मैं पहले ही दिन आकर के दो गाड़ियां खड़ी देखकर कर देता और कहीं डामर बामर लगा देता तो लोगों को लग जाता कि चलो काम शुरू हो गया। ऐसा तो हर सरकारों ने किया है, हर मुख्यमंत्रियों ने किया है, अभी तो शायद कहते रोज कर रहे हैं। अब जनता ये राजनेता समझ ले, वो जमाना चला गया, जनता है सब कुछ जानती है। बिना बजट को पत्थर गाड़ते जाओगे तो क्या योजनाएं बनेगी? क्या हंसते हुए चेहरे टीवी पे दिखा दोगे तो क्या गाड़ी चल जाएगी? क्या भाइयों बहनों, जल्दबाजी में करने वाली योजनाओं से राजनीति तो चल सकती है लेकिन समाज नीति नहीं चल सकती, समाज का भला नहीं होता। और इसलिए
हमारे नितिन जी केंद्र में, मेरे मंत्रिपरिषद के साथी कल्पकता के धनी हैं। दुनिया भर में जो अच्छा है उसको खोजने के लिए लगे रहते हैं। किसी से भी दूर दूर से पता चले कि उसके पास ये जानकारी है तो सबसे पहले उसको समय देकर के उसको सुनना, समझना और अच्छे से अच्छा कैसे हो, उत्तम से उत्तम कैसे बने, हर पल नितिन जी ऐसा सोचने वाले मेरे साथी हैं। और इसलिए उन्होंने, क्योंकि सरकार बनी उस दिन से मैंने उनको एक काम दिया था, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में ऐसे कच्चे पहाड़ के बीच से कैसे रास्ते निकाले जाएं और रास्ता ऐसा बने कि आने वाले 100 साल तक कभी किसी कठिनाइयों से गुजरना न पड़े, इस फिराक में लगे रहे। और आज दुनिया भर की कंसल्टिंग एजेंसियों की मदद से ऐसी एक उत्तम रचना की गई है, जिस उत्तम रचना के द्वारा मैं विश्वास दिलाता हूं देशवासियों को कि आप अब जब भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा पर आएंगे, जैसे पुराने जमाने में मां बाप को यात्रा कराने के लिए श्रवण को याद किया जाता है, आने वाले दिनों में जब आप सुखरूप यात्रा करोगे तो इस सरकार को, नितिन जी को आप जरूर याद करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं। और जब सड़क बनती है तो सिर्फ गाड़ियां दौड़ती ऐसी नहीं है, ये 12,000 करोड़ रुपया लगेगा। इसमें जो सीमेंट लगता है, टार लगता है, पत्थर लगते हैं, उससे ज्यादा उसमें पसीना लगता है। और वो पसीना मेरे उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार देने वाला होगा। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा आप कल्पना कर सकते हो? 12,000 करोड़ रुपया जब खर्च होगा तब उस रोड के काम में लगे हुए कितने नौजवानों के घरों में करोड़ों करोड़ रुपया अपने पसीने की कमाई का जाएगा, इसका आप अंदाज लगा सकते हो। ट्रांसपोर्ट वालों को पैसा मिलेगा, खुदाई करने वालों को मिलेगा, सामान ढोने वालों को मिलेगा, गरीब से गरीब व्यक्ति को इतना बड़ा रोजगार की संभावना इसके साथ है, पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी। और भाइयों बहनों, हमारे उत्तराखंड की आय का सबसे बड़ा साधन यात्री है, हमारी यात्रा आय का सबसे बड़ा साधन टूरिज्म है। अगर व्यवस्थाएं ठीक हो, सुविधाएं उपयुक्त हो, जितनी जरूरत हो उतनी सुविधाएं उपलब्ध हो, तो भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का कौन परिवार होगा जो 5 दिन 7 दिन यहां आकर के रहने की इच्छा न करता हो? कितनी बड़ी इनकम, कितनी बड़ी इकोनॉमी बदल जाएगी। भाइयों बहनों, जब मैं 2014 में इसी मैदान में आया था तब मैंने एक बात कही थी आपको, आप शायद भूल गए होंगे लेकिन मैं भूलने के लिए बातें करता नहीं हूं। मैंने आपको कहा था कि पहाड़ों की जिंदगी में ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ को कभी काम नहीं आता।
भाइयों बहनों, मैंने इस कहावत को बदलना ठान लिया है। ये पहाड़ का पानी भी पहाड़ को काम आएगा, ये पहाड़ की जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे, ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे कि यहाँ के जवानों को ये हिमालय छोड़ करके शहरों की गंदी गालियों में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर न होना पड़े। ऐसा उत्तराखंड बनाने का सपना लेकर के चलते हम विकास की नई ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में आजादी के इतने साल हुए, 18,000 गांव ऐसे निकले। जब मैंने प्रधानमंत्री पद का दायित्व लिया, सब डिपार्टमेंट से पूछ रहा था, बताओ भाई क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहां पहुंचे हैं, क्या हो रहा है। जब मुझे बताया गया कि साहब आजादी के 70 साल हुए, 18,000 गांव आज भी 18वीं शताब्दी में गुजारा कर रहे हैं। बिजली का तार क्या होता है, बिजली का खंभा क्या होता है, बिजली क्या होती है, उस गांव को कभी सौभाग्य नहीं मिला है। हमने बीड़ा उठाया, 1000 दिन में इन 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाएंगे। मेरे अफसर सारे मेरे सामने देखने लगे, बोले साहब जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो 1000 दिन में आप पूरा करने के लिए कह रहे हो। मैंने कहा भाई पहले जो हुआ सो हुआ, अब लोगों का मिजाज भी बदला है, सरकार भी बदली है, देश भी बदलेगा। और इसलिए 1000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया। भाइयों बहनों, अभी 1000 दिन होने की तो देर है, करीब करीब 12,000 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। खंभा लग गया, तार पहुंच गया, बिजली आना शुरू हो गया। और बाकी जो 6,000 गांव है उसमें भी तेज गति से काम चल रहा है। उसमें मेरे उत्तराखंड के गांव भी थे, वहां भी बिजली पहुंचाने का काम हमने तेज गति से आगे बढ़ाया। आप मुझे बताइए भाइयों, उत्तराखंड के दूर सुदूर पहाड़ियों में जिस गांव में कभी बिजली का खंभा नहीं लगा था, अगर वहां बिजली पहुंचती है, क्या ये अमीरों के लिए हो रहा है क्या? अरे पूरी ताकत से बताइए, क्या ये अमीरों के लिए हो रहा है क्या? क्या ये अमीरों के लिए हो रहा है क्या? ये गरीबों का हक पूरा करने के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये गरीबों के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाइयों बहनों, एक जमाना था हमारे देश में गैस का सिलेंडर लेना हो तो नेताओं के घर के चक्कर काटने पड़ते थे, किसी की पहचान निकालनी पड़ती थी कि भाई हमारे एक गैस का सिलेंडर मिल जाए, कनेक्शन मिल जाए गैस का। आप हैरान होंगे, 2014 के चुनाव में, लोकसभा का चुनाव था, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था, हिंदुस्तान भर के टीवी कैमरा वाले आकर के वहां खड़े हो गए थे कि आज बहुत बड़ी घोषणा होगी, दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, 2014 के लोकसभा के चुनाव के लिए बहुत बड़ी रणनीति घोषित की जाएगी। पूरे दिन भर मीटिंग चली, ऐसे ऐसे लोगों को बड़ा बनाने के लिए ऐसी हवा भरी जा रही थी, ऐसी हवा भरी जा रही थी
कि जिसका वर्णन करते ही बनता है। और बाद में घोषणा हुई तो क्या हुई? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा ये घोषणा नहीं हुई। उतने बड़े अधिवेशन में घोषणा ये हुई कि अगर हमारी सरकार बनेगी, ये कांग्रेस की घोषणा की बात कर रहा हूं, अगर हमारी सरकार बनेगी तो अभी जो एक साल में 9 सिलेंडर मिलते हैं हम 12 सिलेंडर दे देंगे। आप बताइए 9 सिलेंडर के 12 सिलेंडर लेने के लिए, उनकी सरकार बनाने के लिए देश की जनता को आह्वान किया गया था। भाइयों बहनों, जिस देश में गैस के सिलेंडर 9 हो या 12 हो इसकी चर्चा चलती हो, और जैसे ही हमारी सरकार आती है हम फैसला करते हैं कि इस देश के गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले 5 करोड़ परिवारों को 3 साल के भीतर भीतर गैस के सिलेंडर का कनेक्शन दे देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं सरकार कैसे निर्णय कर सकती है, कहां 9 से 12 और कहां 5 करोड़ गरीब परिवारों में गैस का चूल्हा। भाइयों बहनों, और विशेष रूप से इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें मैं यहां आई हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, हमें मालूम है पहाड़ों की जिंदगी, मेरा सौभाग्य रहा है उत्तराखंड में मुझे कार्यकर्ता के नाते कई वर्षों तक कार्य करने का मौका मिला है। यहां के हर गली मोहल्ले से मैं परिचित हूं, यहां की जिंदगी से परिचित हूं, यहां के सुख दुख से परिचित हूं, यहां के अनेक लोगों के बीच में कंधे से कंधे पर हाथ मिला करके जमीन पर बैठ करके काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। इस देवभूमि के आशीर्वाद पा करके मैं पला बड़ा हूं, और इसलिए मैंने देखा है माताएं बहनें जंगलों में जाना, लकड़ियां ढूंढ करके लाना, लकड़ी गीली ना हो इसकी चिंता करना, और जब एक मां गरीब मां खाना पकाती है लकड़ी के चूल्हे से, एक दिन में उस गरीब मां के शरीर में खाना पकाती है उसके कारण लकड़ी के चूल्हे के जल रहे हुए जो धुआं निकलता है, एक दिन में गरीब मां के शरीर में 400 सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में जाता है, 400 सिगरेट का धुआं जिस मां के शरीर में रोजाना जाता होगा, वो मां की तबीयत का हाल क्या होता होगा, उस मां के बच्चों का क्या हाल होता होगा, क्या मेरी इन माताओं को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, इन मां बहनों के सुख शरीर स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इन मां बहनों को धुएं से मुक्ति दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए। भाइयों बहनों, हमने बीड़ा उठाया और अब तक लाखों परिवारों में गैस का चूल्हा पहुंच गया है, गैस का सिलेंडर पहुंच गया है, उन मां बहनों को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। उत्तराखंड में भी ऐसे हजारों परिवार हैं जहां हमने कोई पहचान के बिना गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, एक आवाज से बताइए, पूरी ताकत से बताइए, एक गरीब मां को धुएं से मुक्त कराना क्या ये अमीरों का काम है? ये अमीरों के लिए योजना है? ये अमीरों का भला करने के लिए काम कर रहे हैं? आप मुझे बताइए ये गरीबों के कल्याण का काम है कि नहीं है? ये गरीबों के कल्याण का काम है कि नहीं है? ये गरीबों का भला करने का काम है कि नहीं है? ये गरीबों की जिंदगी बदलने का काम है कि नहीं है? भाइयों बहनों, हमने एक निर्णय किया, ये उत्तराखंड की धरती हर घर में जीजा माता है,
हर घर में शिवाजी पैदा होता है। मां भारती के लिए मौत को मुट्ठी में लेकर के जान की बाजी लगाने वाले वीर हर परिवार में है, ऐसा उत्तराखंड है। 40 साल से भाइयों बहनों, ये मेरे फौज के जवान, ये मेरे सेना के जवान हिंदुस्तान की सरकार से मांग कर रहे थे वन रैंक वन पेंशन की, और सेना के लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, सहन करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर शहादत मोल लेते हैं, लेकिन कभी मर्यादाएं तोड़ते नहीं है। 40 साल तक जिस परिवार ने राज किया, जिस पार्टी ने राज किया, उनको कभी हमारे सेना के लोगों की इस मांग की याद नहीं आई। वन रैंक वन पेंशन, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कभी सोचा नहीं। और जब चुनाव आया और उनको लगा कि मोदी को तो सेना के प्रति जरा विशेष प्रेम है, ये मोदी सेना को कुछ ना कुछ तो दे देगा, तो इसलिए जैसे अभी यहां चुनाव के पहले अलग अलग जगह पत्थर गाड़ने का काम चल रहा है, बिना बजट को गाड़ने का काम चल रहा है, उस समय बजट में 500 करोड़ रुपया डाल दिया और बता दिया हमने ओआरओपी दे दिया, वन रैंक वन पेंशन दे दिया। भाइयों बहनों, वन रैंक वन पेंशन का बजट लगता है 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा, 10,000 करोड़ से ज्यादा। मुझे बताइए, ये 500 करोड़ रुपये डाल करके ये देश के सेना के जवानों की आंखों में धूल झोंकने का पाप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्या आप देश के जवानों के साथ भी ऐसा धोखा करोगे? हमने कहा बहुत ज्यादा है। मैं सेना के जवानों से मिला, मैंने कहा भाई ये 10,000 करोड़ रुपया एक मुश्त देना तो देश के कई काम अटक जाएंगे, आप मेरी मदद कीजिए। और मैं आज मेरी सेना के जवानों को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने मुझे तुरंत कहा, मोदी जी बताइए क्या मदद चाहिए। मैंने कहा कि एक किस्त में पैसे नहीं दे पाऊंगा, इसके चार टुकड़े कर दिए जाए, चार किस्त कर दी जाए, और आपको चार किस्त में पैसे पुराने भी दे दूंगा। मैंने कहा 40 साल से अटका हुआ एक मामला, मुझे इसको पूरा करना है, क्योंकि मैं सेना के जवानों का जी जान से सम्मान करने वाला इंसान हो, इनका गौरव करने वाला इंसान हो, मुझे उनके लिए कुछ करना है। आज मैं उन सेना के जवानों को सलाम करता हूं कि सरकार की कठिनाई को समझा और भाइयों बहनों वन रैंक वन पेंशन का निर्णय हो गया। अब तक उनको 6,600 करोड़ रुपया पहुंचा दिया गया है और बाकी किस्त भी पहुंच जाएगी। वन रैंक वन पेंशन, और उत्तराखंड में तो शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहां 50-100 लोग ऐसे नहीं होंगे जिनको आज भी सेना से पेंशन ना आता हो। मुझे बताइए भाइयों बहनों, इतनी बड़ी मात्रा में धन जब पेंशनरों के घर में आया, गांव में आया, तो उत्तराखंड की इकोनॉमी बढ़ी कि ना बढ़ी? उत्तराखंड की इकोनॉमी को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? भाइयों बहनों, हमारा मकसद एक ही है, विकास करना। लेकिन आप जानते हो 2014 में मैं चुनाव लड़ा, आपने हमें वोट दिया, देश ने भरपूर समर्थन दिया। 30 साल के बाद पहली बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? दिए जलाने के लिए बनाया है क्या?
छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है क्या? कुछ कर दिखाने के लिए बनाया कि नहीं बनाया? मुझे कुछ कर दे के रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आपने मुझे काम दिया है चौकीदार का। चौकीदार का काम दिया है, अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं तो कुछ लोग परेशान हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उनको लग रहा है ऐसा कैसा चौकीदार आ गया, चोरों के सरदारों पर ही पहले वार कर रहा है। भाइयों बहनों, देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। काला मन भी जाना चाहिए, काला धन भी जाना चाहिए। आप मुझे बताइए भाइयों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जी जान से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने ये लड़ाई को छेड़ लिया, आपके आशीर्वाद है? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए आपके आशीर्वाद है, पूरी ताकत से बताइए आपके आशीर्वाद है। आज देवभूमि का आभारी हूं भाई। भाइयों बहनों, आप जानते हैं सरकार में एक ड्राइवर की नौकरी चाहिए, प्यून की नौकरी चाहिए, क्लार्क की नौकरी चाहिए, प्राथमिक विद्यालय में टीचर की नौकरी चाहिए, तो भी सबसे पहले कोई पूछता है यार तेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे आ गए, लेकिन कोई जान पहचान नहीं होगी तो तेरा मेल नहीं बैठेगा। तुम कुछ भी कर लो यार, तुम कितना ही पढ़ाई कर लो, यहां तो वो गांधी जी चाहिए, गांधी जी। ग्रीन कलर की नोट पे गांधी जी की छवि होगी तब तेरा काम बनेगा। कुछ ये चल रहा था कि नहीं चल रहा था? हर चीज का दाम चलता था कि नहीं चलता था? भाइयों बहनों, मैंने भारत सरकार में निर्णय कर लिया। मुझे बताइए ये इंटरव्यू थे क्या चीज? जब वो एग्जाम देकर के मार्क ले आया है तो तुम 30 सेकंड में क्या इंटरव्यू करते हो भाई? इंटरव्यू लेने वाला बैठता है, वो आता है, अच्छा अच्छा चलो आगे निकलो, आगे आगे निकलो, हो गया क्या इंटरव्यू? यही चलता था। और फिर जो पैसे देता था उसको नौकरी दे दी जाती थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई उसमें है। हमने फैसला कर लिया, सरकार भारत सरकार में वर्ग 3 और वर्ग 4 में अब इंटरव्यू नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। मेरिट के आधार पर जिसका भी मेरिट होगा उसको नौकरी अपने आप मिल जाएगी, कोई जान पहचान की जरूरत नहीं होगी। हमने राज्यों को भी कहा कि हमने किया है तुम भी तो करो, लेकिन वो नहीं चाहते, उनको तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, अब थोड़े दिन है, जैसे ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ये काम उत्तराखंड में भी हो जाएगा। हम तो हैरान है साहब, हमारी तो लड़ाई ऐसी है, हम नोट घर में जमा करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे, नोटे कपड़े में भर भर करके बैठे थे,
बिस्तर के नीचे रखते थे, उस पर सोते थे। बताओ ये पैसा गरीब का है कि नहीं है? ये गरीब का पैसा लूटा गया कि नहीं लूटा गया? ये पैसा देश के खजाने में वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, 1000 और 500 का नोट बंद करके अच्छे अच्छों के कपबोर्ड खोल दिया। लेकिन बेईमानों की आदत जाती नहीं, उनके ब्लड में ही बेईमानी घुस गई है। तो उन्होंने क्या सोचा, अच्छा मोदी ने 1000 और 500 की नोटें बंद कर दी, अब मोदी को हम दिखाते हैं। पिछले रास्ते से नोट बदलने में लग गए। उनको लगता था मोदी को दिखता नहीं है, लेकिन भाइयों बहनों, उन बेईमानों को पता नहीं था कि हमें पूरी जानकारी है कि बेईमान क्या करेंगे। और आज रोज पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं, नोटों के ढेर, सोने के ढेर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सबका पसीना छूट रहा है। भाइयों बहनों, ये सफाई अभियान है, सफाई अभियान। और देशवासियों ने मुझे मदद की है, इसलिए मैं लड़ाई लड़ पा रहा हूं। अगर देश की गरीब जनता का मुझे साथ ना होता तो ये लोग पता नहीं मेरा क्या क्या कर देते। अभी भी इसी फिराक में है कि मौका मिल जाए तो टूट पड़ेंगे मोदी के, लेकिन उनको पता नहीं है 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच करके बैठा हुआ हूं। जब तक 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच है, देश को लूटने वाले हम पर उंगली नहीं उठा पाएंगे, उंगली नहीं उठा पाएंगे। भाइयों बहनों, इंसान पैसे खाता है ये तो हमने सुना था, इंसान पैसे मार लेता है वो भी सुना था, लेकिन उत्तराखंड में तो स्कूटर भी पैसे खा जाता है। हमने अखबार में पढ़ा था कि जिस स्कूटर में 5 लीटर की टंकी होती है वो 35 लीटर पेट्रोल खाता है। बताइए चोरों को कहां कहां पकड़ेंगे भाई, कहां कहां पकड़ेंगे? इंसान तो चोरी करता था, उत्तराखंड में स्कूटर भी चोरी कर रहा था सरकार की। भाइयों बहनों, ये दुराचार, ये भ्रष्टाचार, इसने भारत जैसे होनहार देश को तबाह करके रख दिया। सोना की चिड़िया कहा जाता था मेरा देश, उसको हम ही लोगों ने लूटा है, हमने इसको बचाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैंने आपको कहा था, मैं ये जानता हूं आपको काफी तकलीफ हुई है, तकलीफ कम नहीं हुई है, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद भी यह देश ईमानदारी की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया, इससे बड़ा देश का सौभाग्य क्या हो सकता है। इस देश का जितना ऋण मेरे सर पे है, इस ऋण को चुकाने के लिए मैं जीवन भर कोशिश करता रहूंगा मेरे देश में। क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ना है तो लूट खसोट बंद होनी चाहिए भाई, ये बेईमानी बंद होनी चाहिए, ये भ्रष्टाचार, ये कालाधन, ये जाली नोट, आतंकवाद, ड्रग माफिया,
ये जाली नोट का खेल खेलते थे। 8 नवंबर रात को 8 बजे एक धमाक से जाली नोटों का खेल जीरो हो गया। आतंकवाद, ड्रग माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अंडरवर्ल्ड, उनकी सारी दुनिया पल भर में तबाह करके रख दी भाई। और ये सारे फैसले देश के हित के लिए किए हैं, देश का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए किए हैं। और मुझे विश्वास है कि सामान्य मानव इस देश का ईमानदारी को पसंद करता है। इस देश का सामान्य मानवी ईमानदारी के लिए सहने को तैयार होता है। इस देश का सामान्य मानवी बेईमानों को नफरत करता है, बेईमानी को कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगर कभी कुछ करना भी पड़ा तो उसको मजबूरन करना पड़ता है, रात को वो सो नहीं सकता, नींद नहीं आती है, ऐसे मेरे देश की ईमानदारी है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर बेईमानों ने ईमानदारों को दबोच करके रखा है। मैं ईमानदारों की ताकत बढ़ाने के लिए लड़ रहा हूं, ईमानदारों को शक्तिशाली बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। और इसके लिए मुझे उत्तराखंड की देवभूमि से, उत्तराखंड की वीर भूमि से, उत्तराखंड की वीर माताओं से मुझे आशीर्वाद चाहिए भाइयों बहनों, जिन आशीर्वाद को लेकर के हम ये लंबी लड़ाई को जीतेंगे। भाइयों बहनों, अब कुछ ही दिनों में 2017 आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें उत्तराखंड दिया, हम वाजपेयी जी के जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तम उत्तराखंड बनाना जिम्मेवारी हमारी है। और मेरे भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड ऐसे गड्ढे में पड़ा हुआ, ऐसी खाई में पड़ा हुआ है, ऐसा तबाह करके रखा हुआ है, इसको बाहर निकालने के लिए 5-50 लोग धक्के मारेंगे तो बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं है जी, इतना बर्बाद करके रखा है। ट्रैक्टर लगा दोगे दो तो भी नहीं होगा जी। इस उत्तराखंड को इन मुसीबतों से बाहर निकालना है तो डबल इंजन की जरूरत है, डबल इंजन की। एक इंजन दिल्ली का और दूसरा इंजन देहरादून का। अब दिल्ली में तो आपने इंजन बना दिया है, देहरादून में आप बीजेपी का इंजन लगा दीजिए, आप देखिए, देखते ही देखते दोनों इंजन लग जाएंगे, दिल्ली वाला देहरादून वाला दोनों इंजन लग जाएंगे, उत्तराखंड को तेज गति से आगे बढ़ेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। मैं फिर एक बार यहाँ के सभी महानुभावों का इतने बड़े विशाल समारोह के लिए आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हमारे देश में आज विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड को आशीर्वाद देने आए भारत के प्रधानमंत्री